रविंद्र जडेजा की तरक्की हो गई है। अब वह विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के साथ BCCI के अनुबंधित खिलाड़ियों की लिस्ट में A+ ग्रेड में आ गए हैं। वह अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के वार्षिक अनुबंध में चोटी की लिस्ट में हैं। रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की। यह लिस्ट कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि BCCI टीम के भविष्य को किस तरह देख रही है। कई खिलाड़ियों की इस लिस्ट में तरक्की दी गई तो कईयों को नीचे भी भेजा गया है। इतना ही नहीं, कई बड़े नाम रहे खिलाड़ियों को लिस्ट से बाहर भी कर दिया गया है। इशारा साफ है, या तो सुधार कीजिए या KL राहुल की फॉर्म मैदान से लेकर नुक्कड़ तक और सोशल मीडिया से लेकर बैठक तक सब जगह चर्चा का विषय है, और खराब फॉर्म का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। राहुल को मैसेज दे दिया गया है कि प्रदर्शन ही पैमाना है। उन्हें ग्रेड A+ से ग्रेड A में भेजा गया है। वहीं सुमन गिल और सूर्य कुमार यादव को ग्रेड C से ग्रेड B में भेजा गया है। शरदुल ठाकुर को ग्रेड B से C में भेज दिया गया है, और कुलदीप यादव, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत सभी नए नाम हैं जिन्हें ग्रेड C में शामिल किया गया है। क्या ईशांत शर्मा और अजिंक्य रहाणे का करियर समाप्त हो गया है? इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। ये दोनों पहले ग्रेड B में थे। इसके साथ ही अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, हनुमान विहारी, रिद्धिमान साहा, दीपक चहर को भी अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये मिलते हैं। A कैटेगरी के खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ रुपये मिलते हैं। B कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को साल के 3 करोड़ और C कैटेगरी के खिलाड़ियों को साल के 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह रकम मैच फीस के अलावा होती है, यानी मैच खेलने के लिए बोर्ड खिलाड़ियों को अलग से पैसे देते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।